साहब, आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। जलोश नारी शक्ति 2023 जो लगातार दो दिन से चालू था और आज यहाँ पे उसका समापन हुआ। मैं आपको बता दूँ कि आज यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि 600 महिला यहाँ पे रैम वॉक किए, वो भी सामान्य नारी जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। और आज भी यहाँ पे स्टेज पे यहाँ पे डांस हुआ, सभी सामान्य नारी, कोई प्रोफेशनल नहीं। आज इस कार्यक्रम में कई सारे लकी कूपन ड्रॉ निकाले गए जहाँ पे अलग अलग लोगों को इनाम दिया गया। लगभग 15 से 20 लकी कूपन ड्रॉ निकाले गए और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनाम था वो एक्टिवा था और जिसे मिला वो काफ़ी खुश थे। यहाँ के जो आयोजक हैं संदीप राणे, डॉक्टर दिनेश पाटिल और उनके जो सभी साथी हैं, यहाँ पे जो सभी महिलाएं आई थी वो काफ़ी खुश थी और उनसे काफ़ी प्रभावित थी कि इन लोगों ने उन सभी महिलाओं को एक यहाँ पे मंच दिया कि वो अपना हुनर, वो अपना टैलेंट दिखा सके। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से। और कुछ अशा महिलांच्या मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन मी बघत आले आहे, पण ह्या वर्षी ज्या प्रकारे जल्लोष नारी शक्तीचं जे आयोजन झालेलं आहे त्या ह्या कार्यक्रमाचं हे वेगळंच मंच होतं। म्हणजे आज जे आपण जे रॅम्प वॉक बघितलं आणि महिलांनी महाराष्ट्राची जी नऊवारी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रत्येक महिलाला बघितलं ते स्टार होते, त्यांचं चेहऱ्यावरती आनंद होता, एक वेगळं प्रकारचं कॉन्फिडन्स होतं, कोण सांगू शकत होतं की ते गृहिणी आहेत। म्हणजे अशा प्रकारचं मंच, प्लॅटफॉर्म उभं त्यांना उपलब्ध करून देणं हे मोठी गोष्ट आहे आणि मला खूप आनंद वाटतो आहे आणि गर्व वाटतो आहे की संदीप राणे आणि डॉक्टर पाटीलने असं मंच महिलांसाठी उपलब्ध करून दिलं। मीरा भाईंदर शहर में इतने सारी महिलाएं एक साथ आई और एक मंच पे, अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी संस्था, कौन सा पक्ष, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेन है कि आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहाँ पे महिला आके उनका जो एक हुनर है वो लोगों के सामने ला सकती हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, जो उनको रोज़ ज़िंदगी में नहीं मिलता, वो प्रशंसा जो उनको रोज़ ज़िंदगी में नहीं मिलती। हम सिर्फ अपने बच्चों के, अपने घर का संभालने में रह जाते हैं, आज उससे बाहर निकल के ये मंच जो मिला है बहुत आनंद हो रहा है और 600 महिलाओं ने भाग लिया है एक रैंप वॉक में, उसमें ही बहुत जो हमारा टाइटल है उसके ऊपर ये सब आ गया। उसके अंदर ही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने कार्यक्रम आयोजन किया था ये सामान्य महिला जो थी उनके लिए मैंने किया था। मैं कोई प्रोफेशनल डांसर या प्रोफेशनल कोई रैंप वॉकर के हिसाब से मैंने कभी नियोजन नहीं किया था। मेरा यही कहना था कि जो सामान्य स्त्री है जो घर के अंदर अपना चूल्हा के ऊपर खाना पकाती है उसके ऊपर सीमित नहीं होकर अपने बड़े रैंप वॉक पर जावे और बड़े स्तर पे आज इतना बड़ा स्क्रीन पे जाना, ये तो मुझे लगता है उनके लिए एक सौभाग्य का बात है। तो मुझे लगता है आयोजक के माध्यम से मैं इनको इनकी भी माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है मुझे। ये दो दिन का खाली कार्यक्रम था, अभी अगले साल आप देखेंगे 7 दिन का मैं कार्यक्रम रखने जाता हूँ आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ। और 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको एक अलग से, मतलब दुनिया में ऐसा कार्यक्रम नहीं हो रहेगा ऐसा मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूँ और कल से मैं उसके काम पे लगने वाला हूँ। खास करके आप देखेंगे जो 600-700 महिला रैंप वॉक, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप देखते 25-50 के रेंज में रैंप वॉक होता है लेकिन 500-600 महिला, तो ये बहुत बड़ा हमने कदम उठाया था। फेसबुक में नहीं जाएगा लेकिन लिम्का बुक का हम लोग कल से ही तैयारी कर रहे हैं। मैं कल से फोटोग्राफ वगैरह उधर लोड कर रहा हूँ और मुझे लगता है अगर लिम्का बुक में तो 100% अपना नंबर आएगा क्योंकि लिम्का बुक के अंदर इतना बड़ा रैंप वॉक कभी हुआ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि लिम्का बुक वाले इसके दखल लेंगे। और विचार आपके मन में कहाँ से आया कि महिलाओं के लिए ऐसा मंच तैयार किया जाए? देखो, मीरा भाईंदर में हो महाराष्ट्र की जो सरकार की जो योजना है, सरकार महाराष्ट्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, हो महिलाओं तक पहुँचती नहीं है। और आप देखते रहेंगे मीरा भाईंदर नगर पालिका हो या कोई भी नगर पालिका हो, वो सीमित तक अपना काम करती है, उसके आगे जाती नहीं है। तो मैं कल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से मैं कल चालू करने वाला हूँ महिलाओं के लिए काम और महिलाओं को सक्षम करना, ये मेरा फ़र्ज बनता है। और आपने देखा रहेगा यहाँ पे सहकार जो हमारा क्षेत्र का एक स्टॉल वहाँ पे लगा हुआ था, ये
5000 से लेके 25 लाख तक कर्जा देने का हमारा योजना है उसके अंदर है। जो भी महिला उसके अंदर पार्ट ले सकती है और उसके अंदर हिस्सा ले सकती है और उसके अंदर अर्ज कर सकती है। तो मुझे लगता है कि कल से 2 दिन के अंदर मेरे हिसाब से उसने 7.5 लाख रुपया का कर्जा डिस्क्लोज दे चुके हैं। तो बहुत ही आनंद का बात है कि हमारे इस उत्सव के अंदर किसी को कोई महिला को लाभ हुआ है। बहुत बड़ा महिलाएं जो घर से बाहर निकली है और जो जिन्होंने रैंप वॉक किया आज, तो उन्होंने काफ़ी सारी महिलाओं ने एंजॉय किया इसको। और ये महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है जो इतना बड़ा रैंप वॉक, और काफ़ी सारी जो स्पर्धक थे उन्होंने इसमें स्पर्धक में उपस्थित रहे और उन्होंने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो हम लोग अगले साल इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे और काफ़ी अच्छे तरह से। अमृता विश्वनाथ, मैं एक एक्टर हूँ। मैंने अब तक जो देखा है, घर में हो या कहीं बाहर हो, मुझे एज ए लेडी हमेशा डर रहता है कि कोई क्रिटिसाइज़ करेगा। लेकिन मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा किसी के अंदर ये डर नहीं था कि कोई क्रिटिसाइज़ करेगा। मुझे बस मेरा 100% देना है, और ये सपोर्ट उनको जो मिला दिनेश सर और संदीप सर से, उसके बाद वो मुझे लगता है खुल गई है अंदर से। और जब मैंने देखा मैम को भी पेशेंस के साथ वो बैठी है इतने घंटों से, वो भी उनको मोटिवेट कर रहा था। मैं देख रही थी हर लेडी आके उनको हेलो बोल रही थी, लेकिन अपने आप में मोटिवेटेड फील कर रही थी कि मैम है सामने तो मुझे कुछ कर। मेरा नाम अदिति विनायक कासले है। ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया हुआ है वो महिलाओं के लिए है। ऐसा ही कार्यक्रम हर बार हर साल होना चाहिए, क्योंकि जो घर बैठे महिलाएं हैं उनको आगे जाके मतलब चांस मिलेगा कुछ करने के लिए। इसलिए महिलाएं हैं जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती है, आज उनको ये मौका मिला है जो यहाँ पे आके अपना कुछ दिखाने के लिए। तो सब महिलाएं, संदीप राणे जी और सारे जो संगठन जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है महिलाओं के लिए, और आप ये देख सकते हैं सच ए इंस्पिरेशन। शालिनी ठाकरे मैम यहाँ पर हैं, इतने घंटों से हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका प्रोत्साहन करने के लिए। दूसरी बात है, मेरा ये मानना है, मैं इंडिया की फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने मिस वर्ल्ड मिस एशिया हैट्रिक मिस इंडिया जीता है फिटनेस फिजिक के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि औरत तुम जर हो, और जर जब मजबूत होती है तो सोसाइटी मजबूत होती है, सोसाइटी मजबूत होती है तो हमारा देश मजबूत होता है। और उसमें ऐसे सच अ इंस्पिरेशन लेडीज़ जो हैं जिनका मार्गदर्शन करते हैं, तो आज इन सारी महिलाओं का प्रोत्साहन डबल हो गया मैम को देखकर, इतने बड़े मंच को पाकर। तो मुझे इतनी खुशी है कि अब ये शुरुआत हो रही है। आई थिंक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप है कि जहाँ पे 600 महिलाएं हाउस वाइफ के तौर पे, और सारे जैसे मैम ने कहा कि सभी अपने आप में सुपरस्टार दिख रही थी, तो सबके अंदर वो कला है, सबके अंदर वो दुर्गा है, सिर्फ उनको वो संदीप राणेंचा तर त्यांनी नारी शक्तीचा उत्सव केलेला, त्याच्यामध्ये मला लकी ड्रॉचा तिकीट लागला। कुठे जायचं तिकीट लागलं? सिंगापूरला। आता सिंगापूरला जाणार, बघू आता मुलगा नेईल त्याच्यावरती आहे। मुलगा माझा रोशन कांबे, भरपूर खुश आहे, पहिली बार आहे मला लकी ड्रॉ लागला। होती की मी या याच्यात आले, त्याच्यात मला काहीतरी चांगलं पण शिकायला भेटलं, आणि त्यात माझं थोडं म्हणजे मला असं वाटतं की एवढं चांगलं मला बक्षीसही मिळाले, आणि आज मी खूप आनंदात सुद्धा आहे। आयोजकांनी हा एवढा बदल तर खूपच मला छान वाटलं, एक नंबर वाटलं की सगळ्या लेडीजनी याच्यात पार्टिसिपेट केलं, वरतून सगळ्यांनी एन्जॉयही तितकाच केला, त्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद। वो तो कैसा था कि थोडा बहुत मुझे लगा था कि कौन होगा इस स्कूटी के लिए विनर, मुझे नहीं पता था कि मेरा नंबर आएगा। बहुत ज़्यादा। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, और हमारे संदीप राणे साहब जो है उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहते वो, और हम लोग बोरेली से आए हुए हैं और पार्टिसिपेट किए हैं, यानी कि सब बॉम्बे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम छा गए हैं। आज उनको टाइम मिलता था तो कम से कम एक 20 से 25 पार्टिसिपेंट आने वाले थे, लेकिन उनको लिस्ट बंद करना पड़ा गेट पे कि नहीं अभी एंट्री नहीं हो सकता आपका। और बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही महिलाओं के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते। और आज जो हम लोग गिफ्ट देख रहे हैं लकी ड्रॉ के,
कसम किसी ने दिया नहीं होगा। और बहुत अच्छा लगा जो जो लेडीज़ को स्कूटी लगी है वो भी बहुत लगता है कि बहुत कष्ट से ऊपर आई हुई लड़की है और उनको वो स्कूटी मिले तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग का सेकंड नंबर आया है मंगला गौरी के लिए और हम लोग ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा खेला है। थोड़ा टाइम कम मिला है लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम। तैयारी भी कर रहे थे और मैं आज फैशन शो में आई थी, यहाँ पे महिला मोर्चा रखा गया था तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा था और बहुत ही अच्छा था महिलाओं के लिए, तो काफ़ी अच्छा था। और हाँ वो तो है, अभी जो महिलाएं भी नहीं निकलती वो भी काफ़ी रैम वॉक कर रही है, काफ़ी अच्छा गया महिलाओं के लिए काफ़ी।